दिन भर चली गर्मा गर्म बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच पर फैसला सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल डील की जांच पर सुनवाई को संविधान पीठ को सौंपने की अपील की। हरियाणा में चौटाला परिवार में टकरार बढ़ी। ओम प्रकाश चौटाला ने बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके दोनों बेटों को पार्टी से बाहर निकाला। राजस्थान में टिकट लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी से नेताओं के इस्तीफों का दौर जारी। अब दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा कांग्रेस में शामिल हुए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अंतरिक्ष में इसरो को मिली एक और कामयाबी। श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी MK3 लॉन्च। व्यास और सतलुज नदियों में प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त। पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब संसद से भी राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को झटका। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा संसद में बहुमत साबित करने में फेल। बर्खास्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खेमे में जश्न का माहौल। व्हाइट हाउस की ओर से वरिष्ठ पत्रकार जिम अकोस्टा की मान्यता रद्द किए जाने के मामले में सीएनएन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस दायर किया। और इटली में फिल्म स्टार्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बंधन में बंधे।